सीटीवी के सीरियल राधा मोहन में छा गया है मातम का माहौल। और देखे तो जरा, राधा की तस्वीर पर मोहन ने हार चढ़ा दिया है और उसे मृत घोषित कर दिया है। ऐसे में घर में पहुंच गई हैं रुदालिया, जिनके साथ मिलकर दामिनी, उसकी मम्मी, मोहन और ये रुदालिया रो रही हैं और मना रही हैं मातम। अरे 3, 2, 1 स्टार्ट। गलत है ना, मर गई है, बर्थडे थोड़ी है। अभी देखिए, सा से शुरू करें, करेक्ट, तो सा से मत शुरू कीजिए। सा रे गा मा, मर गई राधा। जिस राधा को मैं जानता था, जिसे अपना मानता था, उस पर आग बन करके भरोसा करता था, जिसकी इज्जत करता था, वो तो मेरे लिए मर चुकी। तभी होती है राधा की एंट्री, जिसे देखकर रुदालिया काफी शॉक हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है। असल में घर में होनी थी राधा की मुंह दिखाई की रस्म, लेकिन दामिनी, उसकी मम्मी और मोहन ने मिलकर ये सब खेल रचा, जिससे शगुन में हो जाए अपशगुन। लेकिन इनका ये प्लान कामयाब नहीं हो सका और ये तमाशा होने के बाद शुरू हो गई राधा की मुंह दिखाई की रस्म। भाई अब तो मोहन भी राधा से नफरत करने लगा है। अब ऐसे में राधा मोहन को कैसे समझाएगी, ये देखना होगा। जो हुआ है इनके वजह से हुआ है, राधा की मुंह दिखाई पे इन्होंने क्या बोलते हैं उनको, रुदाली, उनको बुला लिया है मातम मनाने के लिए। तो बस अभी वही वो लोग भी गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता चला कि इस घर में, त्रिवेदी भवन में, एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही थी, शुभ चीज़ होने जा रही थी, मुंह दिखाई होने जा रही थी, और उन पर, उन लोग को हमने, उन लोग को इन्होंने और इनकी बेटी ने इनवाइट किया है। तो इस वजह से वो भी गुस्सा हो गए कि हम कभी भी शुभ चीज़ में नहीं जाते हैं, हम हमेशा रोने किसी के डेथ पर ही जाते हैं, तो हमारा, हमारे काम का आपने अपमान किया है, तो हमें गुस्सा आ रहा है। वो बहुत गुस्सा हो गए दामिनी जी पर। पर फिर सब ठीक हो गया, राधा ने संभाल लिया। राधा की बातों से तो सब भी मोहित हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पर अगर बोले मोहन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मोहन के दिमाग में फ़िलहाल तो ये भरा हुआ है कि राधा ने कैसे इतना सब झूठ झूठ बोल सकती है। वो लड़की जो इतनी भक्त है बाकी बिहारी जी की, वो हमेशा सबको सच बोलने के लिए मजबूर करती है और खुद भी हमेशा सच ही बोलती है। वो लड़की आज इतना झूठ बोल रही है सिर्फ मोहन से शादी करने के लिए। वो कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश करें कि किस लिए उसने झूठ बोला। और दूसरा ये कि हाँ, दामिनी से उन्होंने सगाई तो की थी, तो कहीं ना कहीं उनका वो फ़र्ज भी निभाना चाहते हैं कि मैंने दामिनी को प्रॉमिस किया था शादी के लिए और अब राधा से शादी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गिल्ट में आ चुके हैं कि दामिनी के साथ बहुत गलत हुआ है।